प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और अपराध, जिसमें बलात्कार, हत्या एवं छेड़खानी में वृद्धि से समाज में प्रदेश सरकार के प्रति आक्रोश पनपते जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार की शराबबंदी का वायदा सहित विभिन्न विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री और दुर्ग ग्रामीण विधायक ताम्रध्वज साहू की बोरसी निवास का घेराव महिला मोर्चा द्वारा किया गया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता लगातार अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधायक मंत्री जी को निवास घेराव करी, इसी तरह आज आपके भी निवास पहुंच रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घेराव को लेकर? अब ऐसा है, उनके पास कुछ काम बचा नहीं है, 4 साल घर में सोए रहे हैं। कोरोना काल में यही काम करते तो बहुत लोगों को सुविधा मिलती। कोरोना काल के जिस दिन लॉकडाउन था नहीं निकलना अलग बात है, लेकिन बाद में तो बहुत सारा सहयोग लोगों ने काम किया। और ये धरना प्रदर्शन करना और कोई उसमें कोई बिंदु ठोस तो बताएं ना, किस कारण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई गलती बताएं, कोई काम बताएं जो नहीं हो रहा है उसको बताएं, तो उसको जवाब दिया जाए। और कुछ है ही नहीं कोई उनके पास मुद्दा, तो क्या बात कहा जा सकता है। एक अंतिम सवाल, जिस प्रकार से उपचुनाव आप लोग आए, तमाम भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी मौजूद रही, क्या कुछ मुद्दा था और किस मांग को लेकर के यहाँ पे आए थे आप लोग? देखिए, मुद्दा तो वैसे सर्वविदित है, ऐसा नहीं कि आप लोग अनजान होंगे, मैं नहीं समझती, क्योंकि इतना गंभीर मुद्दा जो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बातें सरकार करती है तो कहती भी है, करती है और कहती है, लेकिन दुर्भाग्य अभी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, कांग्रेस की सरकार, कहना अलग है करना अलग है। चुनाव के पहले उन्होंने वायदा किया था, जन घोषणा पत्र में उन्होंने जो एजेंडा दिया था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और पूर्ण शराबबंदी के साथ साथ जो अपराध छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, अकृत्य कार्य जिसको कहा जाता है, उस पर भी नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन ये दो बिंदु जैसे ही कुर्सी मिली सब भूल गए, पूर्ण शराबबंदी तो दूर, पूर्ण शराबबंदी तो दूर, उन्हीं के मंत्री बोलते हैं कि पूर्ण शराबबंदी, कुर्सी मिल गई अब संभव नहीं।